गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंप के बारे में। व्हाट इज अ पंप एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप विथ द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड आल्सो व्हाट इज द एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, तो बेसिकली पंप क्या होता है? पंप आपकी एक ऐसी डिवाइस है, पंप इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। पंप जो है हमारा क्या करता है, किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक, जिसको आप हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा को दाब ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर है रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। अगर पंप जो आपके जितने भी पंप होते हैं वो बेसिकली एक आपका अलग पार्ट होता है, ठीक, उसको किसी भी पंप को चलाने के लिए आपको एक प्राइम मूवर की ज़रूरत पड़ती है। प्राइम मूवर में आपका मोटर हो सकता है या आपका कोई इंजन हो सकता है। ठीक, इनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी भी पंप को रन कराते हैं, चलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास ये आपका कंप्लीट डायग्राम दिखाया गया है। ठीक, किसके बारे में? रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग पंप वो पंप होते हैं जो जिसमें आपका मैकेनिकल प्लंजर लगा होता है, जिसमें आपके पिस्टन लगे होते हैं, वो पंप जो अपवर्ड डाउनवर्ड या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन डायरेक्शनों में वर्क करता है। पहली केस या तो अपवर्ड डाउनवर्ड या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये दोनों केसों में वर्क करता है, वो पंप आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप कहलाता है। ठीक, क्लियर है आप लोग? वह पंप जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है या अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में वर्क करता है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये हो गया आपका डिफिनेशन रेसिप्रोकेटिंग पंप के। ठीक, अब हम इसके चर्चा करेंगे किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से हमारे पार्ट होते हैं जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को बनाते हैं। ठीक, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट होता है सिलेंडर। सिलेंडर में ही आपके सारे पूरे प्लंजर लगे होते हैं, जिसमें आपका पिस्टन होता है। पिस्टन आपका क्या करता है, इस हिसाब से आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसमें मूव करेगा और वाटर आपका क्या करेगा, नीचे से ऊपर आपको निकलता हुआ मिलेगा। ठीक, तो इस लेक्चर में हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली कौन कौन से पार्ट हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला आपका सिलेंडर है, दूसरा आपका सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व और आपका क्रैंक, पिस्टन रॉड विथ पिस्टन। ये आपका है पिस्टन, ये आपका पिस्टन रॉड है। ठीक, और ये आपका है कनेक्टिंग रॉड जो आपको इस पिस्टन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव कराएगा। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? तो हम एक एक चीज के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारे सिलेंडर है वो किस चीज का बना होता है। तो जो सिलेंडर होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं ढलवा लोहा। ठीक, कास्ट आयरन का बना होता है आपका सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर भी और आपका पिस्टन भी आपका कास्ट आयरन का ही बना होता है। सक्शन पाइप, ठीक, सक्शन पाइप किस चीज़ की बनी होती है? सक्शन पाइप अब जनरली आपकी पहले जो है कि आयरन की पाइप यूज होती थी, लेकिन उसकी लाइफ बहुत कम होती थी, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पीवीसी पाइप जनरली जिसको हम पाइप कहते हैं। ठीक, हम उस पाइप को प्रीफर कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, पीवीसी पाइप को प्रीफर कर रहे हैं। तो जो हमारी सक्शन पाइप होगी या डिलीवरी पाइप होगी वो हमारी पाइप कौन सी होगी, पीवीसी पाइप होगी। पीवीसी की बनी हुई पाइप होगी, कौन सी पाइप, सक्शन पाइप हो या आपकी डिलीवरी पाइप हो। ठीक, अब दो पॉइंट पे और हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी, अब पाइप के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब हम वाल्व के बारे में बात कर लेते हैं। वाल्व हमारे पास यहाँ पर दो लगे हुए हैं। ठीक, एक वाल्व ये, एक वाल्व ये, ठीक, दो वाल्व लगे हुए हैं। एक आपका है सक्शन वाल्व और दूसरा आपका है डिलीवरी वाल्व। सक्शन वाल्व जो है कि
ये आपके वाल्व जितने भी हैं, ये आपके वाल्व रबड़ के बने होते हैं, ठीक, और डिस्क टाइप के भी वाल्व होते हैं, ठीक, और कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जो आपके लोहे के बने होते हैं या कांच के बने होते हैं, उस पे उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रबड़ चढ़ा देते हैं, तो वो होते हैं आपके वाल्व, ठीक। तो वाल्व बेसिकली आपका रबड़ का बना होता है, ठीक। और यहाँ पर जब हम इसको फिक्स करते हैं अपनी किसको, पाइप को, ठीक, ये हमारी क्या है, डिलीवरी पाइप है, इसको यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, इसको यहाँ पर हमारी सक्शन पाइप को जब फिक्स करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर उसको सीलिंग करना पड़ता है, सील करना पड़ता है, जिससे कि हमारा किसी तरीके का लीकेज ना हो। लीकेज होगा तो ये क्या करेगा, एयर को अंदर लेगा, ठीक। तो जब एयर को अंदर लेगा तो प्रॉपर वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। जब तक आपका प्रॉपर इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपका ये रेसिप्रोकेटिंग पंप प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सीलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपका हो गया डिलीवरी वाल्व और ये आपका हो गया सक्शन वाल्व। ये वाल्व आपके रबड़ के बने होते हैं और जो है कि इनका अगर हम जो है कि इनको हार्ट लिक्विड के पर्पज के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मेटल वाल्व यूज करते हैं। अगर हम इनका यूज हार्ट वायर कोई भी, सॉरी हार्ट वायर नहीं, हार्ट मटेरियल अगर कोई आपका निकाल रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए हम जो वाल्व यूज करते हैं वो हमारा किस चीज़ का बना होना चाहिए, तब जो है कि वो वाल्व हमारा किसी भी मेटल का बना होना चाहिए जिसमें जंग लगने के चांसेज बहुत कम हो, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी डिलीवरी पाइप की, डिलीवरी पाइप किस चीज़ की बनी होती है, और आपका सक्शन पाइप किस चीज़ की बनी होती है, ठीक। सक्शन पाइप का क्या काम है, पानी को नीचे से ऊपर की तरफ खींचना, किसमें, इस सिलेंडर के अंदर। और डिलीवरी पाइप का क्या काम है, पानी को हमारा डिस्चार्ज करना, डिलीवर करना हमारे जो उपभोक्ता हैं, सॉरी जो हमारे जिनको रिक्वायरमेंट है, ठीक, वो वाटर को क्या करता है, डिलीवर करता है, ठीक। तो आपका इतना पॉइंट क्लियर हो गया, कौन कौन से पॉइंट, सिलेंडर किस चीज़ का बना होता है, सक्शन पाइप और आपकी डिलीवरी पाइप, ये आपकी पाइप पीवीसी की बनी होती हैं, ठीक। और सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व, हमने कहा कि जो भी हमारे वाल्व हैं वो बेसिकली रबर के बने होते हैं। अगर हम कोई भी हार्ट चीज़, हार्ट लिक्विड को अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब जो है कि हमारा वो मेटल का बना होना चाहिए, ठीक। और क्रैंक आपका यहाँ पर दिखाया गया है। क्रैंक का काम क्या है कि इसको घुमाना, ठीक, ये क्या करेगा, रोटेट कराएगा। जब ये रोटेट कराएगा तो पिस्टन आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा। जब ये आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा, तब जो है आपका वाटर यहाँ से आपका इनलेट होगा और फिर ये वाला वाल्व आपका ओपन होकर इधर से आपका लिक्विड डिस्चार्ज हो जाएगा या डिलीवर हो जाएगा, ठीक। पाइप, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन में, पिस्टन रॉड विद पिस्टन। तो हमने बताया कि ये आपका पिस्टन है, ठीक, और ये आपका पिस्टन रॉड है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन रॉड है। पिस्टन रॉड हमने बताया आपको कि किस चीज़ का बना होता है, कास्ट आयरन का, ढलवा लोहे का, ठीक। और इसके बाद आपका है ये कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का जो है कि काम क्या है कि इसको जोड़ने के लिए काम कर रहा है। जब ये आपका इसको आगे पीछे मूव कराने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमने क्या यूज किया है, कनेक्टिंग रॉड का यूज किया है, कनेक्टिंग रॉड को यूज किया है, ठीक। कनेक्टिंग रॉड, जब ये आपका ये, ठीक, ये आपका एक तरीके से शाफ्ट होगा, ठीक, इस तरीके से आपका क्या होगा, ये शाफ्ट होगा। जब ये आपका शाफ्ट रोटेट होगा तो ये आपका इस तरीके से आगे पीछे आएगा। तो जब ये आपका आगे पीछे होगा, तब जो है कि ये पिस्टन भी आपका क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे, ठीक। तो हमने आपको बता दिया कि किस किस कंस्ट्रक्शन में जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनके क्या क्या काम है। कनेक्टिंग रॉड, ठीक, कनेक्टिंग रॉड को भी बता दिया कि इसका क्या काम है, इसको जो है कि कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया है। जब ये आपका रोटेट होगा तो उसके साथ ये भी आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक।
तो कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझ में आ गई तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है कि अब आपका इसको इसकी वर्किंग क्या है। ठीक, कंस्ट्रक्शन में एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। सिलेंडर, सिलेंडर आपका कास्ट आयरन का बना होगा और पिस्टन भी आपका कास्ट आयरन का बना होगा। सक्शन पाइप, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप ये आपकी पीवीसी की बनी होती हैं। ठीक, और डिलीवरी वाल्व और सक्शन वाल्व, ये सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, बैरी करता है। वैसे बेसिकली रबड़ के बने होते हैं, और अगर हमको कोई हार्ट लिक्विड कोई ट्रांसफ़र करना है वन प्लस टू प्लेस टू अनदर प्लेस, तब जो है कि हम मेटल का बना हुआ वाल्व को यूज करते हैं। ठीक, क्रैंक का यूज हमने बता दिया, पिस्टन विथ राड। ठीक, पिस्टन है आपका, ये पिस्टन से कनेक्टेड राड है, इसके बारे में बता दिया। कनेक्टिंग राड, कनेक्टिंग राड को बता दिया, क्रैंक को भी बता दिया कि क्या है। ठीक, अब मैं आपको लिवा के चल रहा हूँ वर्किंग के बारे में कि आपकी वर्किंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से ये आपका वर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा क्या, वर्किंग। ठीक, वर्किंग देखिए, और ये सब कुछ आपको कंस्ट्रक्शन में समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है। ठीक, ये आपकी सेक्शन पाइप है, ये आपका सेक्शन वाल्व है। ठीक, और ये आपका डिलीवरी वाल्व है, ये आपका डिलीवरी पाइप है, ये आपका पिस्टन है, सॉरी ये आपका पिस्टन है, ये आपका पिस्टन राड है, ये आपका कनेक्टिंग राड है, ये आपका क्रैंक है, जो किसी भी प्राइम मूवर से जस्ट लाइक आपका इंजन या किसी मोटर से कनेक्टेड होगा। ठीक, तो जब ये आपका मोटर इसको रन कराएगा तभी आपका ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो और एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके ये वाल्व हैं इनकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, एक ही तरीके की होगी, एक ही डायरेक्शन में इनकी वाल्व की डायरेक्शन होगी। ठीक, तो इनको पूरा ये सेटअप जब हम इनको कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, इस सक्शन पाइप को जमीन के अंदर गाड़ते हैं। ठीक, तो ये आपके वाटर लेवल तक पहुंच जाती है, ये आपका पूरा वाटर लेवल दिखाया गया है। ठीक, फिर जो है कि हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, ये आपका शाफ्ट लगा हुआ है, इस शाफ्ट को किसी भी मोटर से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, जब हम इसको मोटर से चलाते हैं तब क्या होता है कि पहले जब आप मोटर से चलाएंगे इसको तो पहले आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक, पहले आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? तो देखिए, जब आपने यहाँ पे मोटर लगा दिया, ये आपका मोटर रोटेट होगा। ठीक, जब मोटर रोटेट होगा तो ये आपका इस तरीके से क्या करेगा, इस तरीके से आपका रोटेट होगा। ठीक, इस तरीके से अपवर्ड और सॉरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये आपका मूव करेगा तब ये भी आपका आगे पीछे मूव करेगा। ठीक, तो जब आपका ये पिस्टन, जब पिस्टन आपका इस डायरेक्शन में होगा, जब पिस्टन आपका इस डायरेक्शन में होगा तो ये जो आपका सेक्शन वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ये इस डायरेक्शन में खींचेगा इसको पिस्टन, ठीक, पिस्टन राड, पिस्टन को जब इस डायरेक्शन में खींचेगा तो सक्शन वाल्व आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब सक्शन वाल्व ओपन होगा तो पानी आकर आपका आकर इसमें इस सिलेंडर में आकर पानी आपका भर जाएगा। ठीक, फिर जब आपका पिस्टन, जब पिस्टन आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लीजिए पिस्टन आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, पिस्टन जब आपका यहाँ पर आएगा इसको प्रेस करेगा तब आपका ये वाला जो वाल्व होगा ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक, और ये वाला आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ये वाल्व ओपन होगा तो ये साइड से आपका पानी जो है कि बाहर निकल के डिलीवर हो जाएगा। तो यही आपका, इतना ही आपका वर्किंग प्रिंसिपल है इसमें कि आपका पूरा इस कंस्ट्रक्शन में आपने देख लिया, सक्शन वाल्व, सक्शन पाइप, डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी पाइप, पिस्टन राड विथ पिस्टन, कनेक्टिंग राड, क्रैंक, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जा रही हैं। ठीक, तो मैं एक बार आपको वर्किंग प्रिंसिपल फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ आप लोग केयरफुल्ली आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ आपका जो ये पिस्टन है इस पोजीशन में होगा, जब इस पोजीशन में, मान लीजिए आपका इस पोजीशन में है, ठीक, फिर आपने इसको यहाँ से मोटर को क्या किया, स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया तो ये आगे पीछे क्या कर रहा, स्टार्ट हो गया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में
ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, जब ये आपका पीछे की साइड मूव करेगा तो ये वाला वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ये वाल्व आपका ओपन होगा तो यहाँ से पानी आपका साइड से निकल के इसमें आपके इस सिलेंडर में भर जाएगा। ठीक, फिर इस सिलेंडर में आपका भर जाएगा और ये यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से ये वाला वाल्व आपका क्लोज रहेगा। ठीक, क्योंकि इधर आपका खींचेगा तो वैक्यूम क्रिएट होगा और इधर से आपका पानी इधर आएगा और ये वाला वाल्व आपका क्लोज रहेगा। फिर जैसे ही पिस्टन आपका आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये प्रेशर की वजह से ये वाला वाल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा और वाटर आपका इधर से डिलीवर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जितना भी आपको कंस्ट्रक्शन में रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है और कंस्ट्रक्शनल डिटेल क्या है और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या इसके एप्लीकेशन हैं। ठीक, तो बस इसमें इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट।